नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस शेप में होता है? क्यूबॉइड हमारा इस शेप में होता है। ये हमारा क्यूबॉइड है। अगर हम क्यूबॉइड को देख रहे हैं तो ये इसका टॉप पार्ट हो गया, ये इसका बैक पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये हो गया बॉटम पार्ट और ये हो गया अपर पार्ट। तो अगर इस तरह से हम देखें, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल में ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। इसी तरह क्यूबॉइड में दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज नोन एज हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो इस तरह से इस पार्ट का एरिया आएगा एल इंटू बी। इसी तरह इसके जो बैक पार्ट में जो बैक पार्ट है उसका भी एरिया आएगा एल इंटू बी। इसका एरिया अगर हम देखें तो ये हाइट हो गई इसकी और ये क्या होगा ब्रेथ। तो इस पार्ट का जो एरिया आएगा वो होगा एच इंटू बी। तो इसी तरह इस पार्ट का भी एरिया होगा एच इंटू बी। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, टू टाइम्स आ जाएगा। अगर इस लोअर पार्ट को देखते हैं तो ये एल है और ये एच है। अगर हम इस पार्ट का एरिया देखें तो ये एल इंटू एच आएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। ये लेंथ है, ये हाइट है, तो एल इंटू एच होगा एरिया। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, ये टॉप पार्ट का हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग टू टाइम्स लिखेंगे एल इंटू एच। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा एल बी प्लस एल बी प्लस एच एल प्लस एच एल प्लस बी एच प्लस बी एच। तो इस तरह से ये होगा टू एल बी प्लस टू एच एल प्लस टू बी एच। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच। सो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकालते हैं। सो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं। नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर। लेते हैं सिलेंडर। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर हमारा कुछ इस शेप में होता है। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर को देखें तो इसमें दो सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक अपर में सर्कल है, एक लोअर में सर्कल है। और अगर हम सिलेंडर के इस पार्ट को ओपन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। अगर हम इस पार्ट को देखते हैं ये क्या फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो अगर हम एरिया ऑफ सिलेंडर देखते हैं तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। सो वी हैव सीन दैट दिस सिलेंडर हैज टू सर्कल्स एंड दिस पार्ट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसमें ये जो होगी ये इसकी हाइट होगी और ये क्या होंगे, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है टू पाई आर, टू पाई आर। तो ऊपर के लिए टू पाई आर, नीचे के लिए टू पाई आर। सो दिस इज
rectangle. So for rectangle formula is L into B. So 2 pi R into H. अगर हम अब सिलेंडर का फॉर्मूला देखें, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या होगा, दो सर्कल्स की एरिया का सम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस इस रेक्टेंगल का सम 2 पाई आर एच. अब ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर एच, देन वी टेक कॉमन 2 पाई आर 2 pi r. So this will be 2 pi r common, here r is left, plus h. So this is the formula for total surface area of cylinder. Now curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Curved surface area of cylinder कब निकालते हैं, जब सिलेंडर का एक पार्ट ओपन होता है. जब एक पार्ट ओपन होगा इसका मतलब हमें एक सर्किल को नहीं लेना है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ एक सर्किल लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच. ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो ये हम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो टुडे वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी. सो नाउ फ्रेंड्स वी विल सी व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीडियो. फर्स्ट वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6 एस स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर. सो फॉर टुडे वी हैव सीन दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस 3 फिगर्स. अब इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे और हमारा चैनल है विंस ट्यूशन क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड होप यू विल फाइंड इट वेरी इजी ऑन दिस वीडियो.